जो चीज व्यक्ति मार्केट से लेके आए उसको तो हम समझ सकते हैं उसकी है। आपने सोचा है कि आपके पास जमीन क्यों नहीं है, आप लोग व्यापार में क्यों नहीं है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है, आप कॉलेज स्कूल के मालिक क्यों नहीं है। कभी सूत्रों का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। सूत्रों को ना पढ़ने का अधिकार है, सूत्रों को ना व्यापार करने का अधिकार है, सूत्रों को धन और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। इसी की वजह से शूद्र कभी संपत्ति के धरती के मालिक नहीं बन पाए, इसी की वजह से शूद्र कभी व्यापार नहीं करते। जनरल कैटेगरी के घरों में काम करना होता था, काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि पैसे का अधिकार नहीं था, काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना मिलता था। पूरे दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी जयंती पूरे दुनिया में एक महीने तक मनाई जाती हो, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूं, संत गुरु रविदास संत कबीरदास जी को नमन करता हूं, गुरु नानक देव जी महर्षि वाल्मीकि जी ज्योतिबा फूले जी सावित्रीबाई फूले जी प्रतिमा शेख जी साहू जी महाराज पेरियार रामा स्वामी नायकर जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर माता रमाबाई एवं माननीय कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मिशन जय भीम की राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर सीमा माथुर जी, लॉ के प्रोफेसर भास्कर जी, यहाँ के सभी आयोजक और साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमन है। सबसे पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। आप लोग कभी क्या जितने लोग यहां बैठे हैं समाज का क्या एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी 30-40 बीघा जमीन हो? जितने यहां बैठे हैं कोई एक भी नहीं है? 10-15 बीघा हो? 10-15 बीघा भी नहीं है। कोई एक आदमी ऐसा है जिसका अपना कोई स्कूल का मालिक हो, कॉलेज का मालिक हो? नहीं है। कोई बड़ा व्यापारी हो? व्यापारी भी नहीं है। आपने कभी सोचा है कि आपके पास जमीन क्यों नहीं है, आप लोग व्यापार में क्यों नहीं है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है, आप कॉलेज स्कूल के मालिक क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। हम जिस हालात में हैं उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है इस पर कभी चर्चा नहीं करते। हमारे दुख के कारण क्या है हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो खेत की जमीन है क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? बताइए, खेत की जमीन कोई मां के पेट से लेके आता है क्या? तो जो चीज व्यक्ति मां के पेट से लेके आए उसको तो हम समझ सकते हैं उसकी है, लेकिन ये जमीन जो ये प्रकृति की दी है ये कोई अपनी मां के पेट से लेकर नहीं आया। हमारे लोगों को ज्यादा ऐप पालने की जरूरत नहीं है, उसको तो शराब ही काफी बर्बाद करने के लिए। तभी तो तुम लोग नहीं सोचते कि हम लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है।
हम व्यापारी क्यों नहीं बने, हम स्कूल कॉलेज अस्पताल के मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि जब दिमाग स्वस्थ होगा तो सोचेंगे ना, सब ने ये सोच लिया जो हमारे साथ हो रहा है ये सब कुदरत कर रही है, ये सोच रहे ना, ये कुदरत नहीं कर रही। आज जो तुम्हारी दुर्दशा है ना, इसका कारण कोई प्रकृति नहीं है, इसका कारण वो व्यवस्था है जिसने धर्म शास्त्रों में लिखकर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अमेरिका में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, नॉर्वे में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जाति केवल और केवल भारत में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जाति को प्रकृति ने नहीं बनाया। अगर प्रकृति ने जाति बनाई होती तो अमेरिका में भी जातियां होती, इंग्लैंड में भी जातियां होती, फ्रांस में भी जातियां होती, जापान में भी जातियां होती, चाइना में भी जातियां होती। जिन देशों के मैंने नाम लिए हैं उन देशों में जातियां नहीं है, और वो देश तरक्की के मामले में हमारे देश से बहुत ज्यादा आगे है। उसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि वहां किसी धर्मशास्त्र ने यह तय नहीं किया कि किसको पढ़ने का अधिकार है किसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। वहां धर्मशास्त्रों ने यह तय नहीं किया कि किसको व्यापार करने का अधिकार और किसको व्यापार करने का अधिकार नहीं है। वहां धर्मशास्त्रों ने यह भी तय नहीं किया कि किसको संपत्ति रखने का अधिकार है और किसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, धर्म शास्त्रों में लिखकर 4000 साल पहले तय कर दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण होंगे समाज में, और इन चार वर्ण में सबसे ऊंचा वर्ण होगा ब्राह्मण, उससे नीचा वर्ण होगा क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे वाला वर्ण होगा शूद्र वैश्य, और वैश्य से नीचे वाला वर्ण होगा शूद्र, और जो सबसे ऊपर वाला वर्ण होगा ब्राह्मण, उसका काम होगा पढ़ना और पढ़ाना, उसका काम होगा यज्ञ करना, उसका काम होगा कर्मकांड करना। यानी धर्मशास्त्रों में लिख के तय कर दिया उसको क्या करना है। धर्मशास्त्रों में यह भी लिख दिया कि जो क्षत्रिय है उसका काम है रक्षा सुरक्षा राजकाज, दान लेना दान देना, यज्ञ करवाना। धर्मशास्त्रों में वैश्यों के लिए भी तय कर दिया उनका काम है व्यापार करना दान देना खेती करना, और उन्हीं धर्मशास्त्रों में लिख दिया शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। शूद्रों का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्रों को ना पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों को ना व्यापार करने का अधिकार है, शूद्रों को धन और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। इसी की वजह से शूद्र कभी संपत्ति के धरती के मालिक नहीं बन पाए, इसी की वजह से शूद्र कभी व्यापार नहीं कर पाए, इसी की वजह से शूद्र कभी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनके पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। धर्मशास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी तरीके से धन और संपत्ति इकट्ठा कर ले
तो उसकी धन संपत्ति को छीन लेना चाहिए। चूंकि यह धर्म क्यों होता है, धर्म उसको धन और संपत्ति रखने की इजाजत नहीं देता। और ये जो व्यवस्था थी धार्मिक व्यवस्था, ये कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 साल नहीं, ये व्यवस्था भारत में लगभग 3500 साल तक चली। 3500 साल तक इस धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार से, संपत्ति से और पढ़ाई से, तीनों चीज से दूर हो गए, वंचित हो गए। अब जिसके पास पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उसके पास ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान पढ़ने से आता है, यह ज्ञान पढ़ने के साथ साथ विद्वानों की बात सुनकर उनके संगत से भी आता है, और ज्ञान अनुभव से भी आता है। लेकिन आपको विद्वानों की बात को सुनने का अधिकार था नहीं, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, तो आपके पास ज्ञान कैसे आता? आपकी तो सबसे बड़ी समस्या यह रहती थी कि शाम को बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। कल रात बच्चे भूखे पेट सो गए, आज खाना कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा? 14-14, 15-15 घंटे हमारे लोगों को काम करना होता था, खेतों में काम करना होता था, और जनरल कैटेगरी के घरों में काम करना होता था। काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि पैसे का अधिकार नहीं था। काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना मिलता था। बहुत से बुजुर्ग यहां बैठे हैं जिन्होंने शायद अब से 50 साल पहले अपनी आंखों से यह देखा भी होगा कि काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, अनाज मिलता था या घर का बचा हुआ खाना मिलता था। यह व्यवस्था लगभग 3500 साल तक देश में लागू रही, और जब भारत आजाद हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने सबसे बड़े का क्या काम किए? क्यों हम जयंती मना रहे हैं बाबा साहेब की? हम जयंती इसलिए मना रहे हैं, एक तो उन्होंने हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़ दिया और हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लोगों के कॉलेजों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, और इसके साथ साथ ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, नगर निगम, MLA और सांसद बनने के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करके समाज को रिप्रेजेंटेशन दिलवा दिया। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर समाज को संविधान में लिख के रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, तो हमारे समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला होता। ये जो मैं आज एक विधायक हूं और मंत्री हूं, ये बाबा साहेब के दिए हुए इस आशीर्वाद से बन पाया हूं, वरना कहीं गांव में खेत में मिला होता। तो हमें तो जो कुछ भी मिला है, सम्मान का जीवन, पढ़ने लिखने से, ज्ञान से, ये सारे रास्ते केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बनाकर गए, वरना हजारों साल की गुलामी हमारे लोगों ने झेली है। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, उन्होंने सोचा भारत आजाद होने वाला है और भारत की अब सरकार को जनता चुनेगी, तो जनता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जब संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा में जो संविधान बाबा साहब लिख रहे थे, हर आर्टिकल को संविधान सभा में चर्चा होती थी, जब सब लोग सहमत हो जाते थे तब वो आर्टिकल पास होता था, तब वो संविधान का अंग बनता था। तो जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे
कि वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो पूंजीपति इनकम टैक्स पे करते हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ लोग इस फेवर में थे कि जो ग्रेजुएट हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे कि जो खेतों के मालिक हैं, जमींदार हैं बड़े बड़े, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जब ये सारे तर्क संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा में इस बात पे बहस चल रही थी कि वोट का अधिकार किसको मिले, जब ये तर्क निकल कर आए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे समाज के लोग 3,500 साल तक गुलाम रहे हैं, उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रही है, तो फिर मेरे समाज के लोग तो ग्रेजुएट नहीं बन सकते थे। तो जब ग्रेजुएट नहीं बन सकते थे तो मेरे समाज को तो वोट का अधिकार नहीं मिलना। दूसरा उन्होंने सोचा कि धार्मिक बंदिश की वजह से मेरे समाज के लोग व्यापार भी नहीं कर पाए, इसीलिए इनकम टैक्स पे ही भी नहीं है, तो मेरे समाज के लोगों को तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तीसरा उन्होंने सोचा धार्मिक बंदिश की वजह से हम लोग खेतों के मालिक, संपत्ति के मालिक भी नहीं बन पाए, जमींदार भी नहीं बन पाए, तो मेरे लोगों को इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा समाज की तरक्की कैसे होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वालों को ही नहीं, केवल बड़े जमींदारों को ही नहीं, केवल ग्रेजुएट को ही नहीं, भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को, मजदूर हो या किसान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, भारत में जो भारत का नागरिक है उसे वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से लड़के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के सभी लोगों को वोट का अधिकार दिलवा दिया। अब आप जरा कल्पना करिए, सोच के देखो 75 साल पीछे जाओ और सोचो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी विद्वता से, अपनी कलम से, अपनी काबिलियत से संविधान सभा को कन्विंस नहीं कर पाते, और जो संविधान सभा के लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार किनको मिलना चाहिए, और वोट का अधिकार केवल अगर उनको मिला होता जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, तो भारत में केवल 5% लोग ऐसे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म की बात कर लो, केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनको वोट का अधिकार मिलता, 95% भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। और अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता तो सरकार चुनने का काम केवल 5% लोग करते, और जो सरकारें चुन के आती वो केवल 5% लोगों के लिए काम करती, केवल 5% लोगों का विकास होता, फिर आपके हमारी बस्तियों में गली खरंजे नहीं बनते, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था नहीं होती, फिर हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज नहीं खुलते, फिर तो सरकारें जो सरकारों को चुनते 5% लोग, सरकारें केवल उन 5% लोगों के लिए काम करती। लेकिन भला हो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आपने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपना पूरा जीवन न्योछावर करके, अपने बलिदान और त्याग और तपस्या से ना केवल हमारे 3,500 साल की गुलामियों को तोड़ा, बल्कि हमारे समाज को मुख्य धारा में लाकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, हमारे सरकारी नौकरी में आने के रास्ते खोल दिए, हमारे मंत्री सांसद बनने के रास्ते खोल दिए, हमारे जज, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट बनने के रास्ते खोल दिए।
इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। कई देशों के साथ तो मैं जूम पे जयंती के प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूं। कनाडा में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, इंग्लैंड में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, फ्रांस में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, जर्मनी में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, न्यूजीलैंड में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, सिंगापुर में मनाई गई उसमें शामिल हुआ, अमेरिका में मनाई गई उसमें शामिल हुआ। सोच के देखो पूरे दुनिया के अंदर एक महीने तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। पूरे दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी जयंती पूरे दुनिया में एक महीने तक मनाई जाती हो, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने इतने विपरीत परिस्थिति में अपना पूरा जीवन संघर्ष करके देश के 90% लोगों के जीवन में वो सारी लाने का काम किया। लास्ट में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, 3,500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना जीवन लगाया है, लेकिन जो वो हमें देकर गए हम सारे मिलकर उसको भी बचा कर नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे। देश के ज्यादातर संस्थान केंद्र की सरकार बेचती जा रही है, इंडियन रेलवेज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, ITDC का होटल बेच दिए, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो देश के पास बचेगा क्या? और जो जो संस्थान बिक गया वही प्राइवेट हाथों में जाने के बाद SC ST का रिजर्वेशन खत्म, जो पहले लग गए थे उनको 1 साल के अंदर बाहर निकाल दिया। स्कूल कमजोर किए जा रहे हैं। अब आप सोचो जो सरकार अपने लोगों के लिए अच्छे स्कूल ना बना पाए, सरकारी खर्चे पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, जो सरकार सरकारी खर्चे पर अपने लोगों को अच्छा इलाज उपलब्ध ना करा पाए, जो सरकार अपने युवाओं के भविष्य का निर्माण ना कर पाए, क्या ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक है? देश के अंदर लगातार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल कमजोर किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं, और वहां बच्चे की फीस का खर्चा प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल में, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, खाने का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो एक बच्चे की पढ़ाई पे 1.5 लाख से 2 लाख रुपया साल का खर्च हो रहा है। और हमारे समाज के लोग 1.5 लाख तो छोड़ो, वो तो हजारों रुपए का खर्चा फीस का उठाने के लिए उनमें दम नहीं है, बेचारे गरीब है, मजदूर है, उनके तो पूरे परिवार की इनकम हर महीने 8 से 10-15 हजार रुपए के बीच है। तो अगर इसी तरह स्कूल प्राइवेट होते चले गए, बल्कि ताजुब तो तब होता है जब हम सर्वे में देखते हैं पिछले 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। दवाइयां लिख देते हैं डॉक्टर बाहर से खरीदनी पड़ रही है, टेस्ट लिख देते हैं बाहर से कराने पड़ रहे हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए इसलिए क्योंकि वहां एक ईमानदार अच्छी सरकार है, उसने अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पतालों की स्थिति सुधारी। आज दिल्ली में सारे टेस्ट फ्री है, दवाइयां फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। लेकिन दिल्ली पूरे भारत में इतनी सी है और भारत बहुत बड़ा है, तो पूरे भारत की तरक्की कैसे होगी? जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए तो सरकारें काम ही नहीं कर रही। और हमारी गलती ये हो गई हमारे समाज से कि जो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलने वाला था, चूंकि आप इनकम टैक्स पे नहीं है, नहीं करते, आपके पास जमीन जायदाद नहीं है, आप ग्रेजुएट भी नहीं बन पाए थे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़के जो अधिकार दिलवाया वोट डालने का, आप लोगों ने अपनी इस वोट की कीमत को समझा नहीं। और उसका हश्र यह हुआ कि आप
अपनी वोट की कीमत को नहीं संभाल पाए, शराब की बोतल में 500 रुपए में 1000 रुपए में अपनी वोट बेच रहे हो, और तुम लोग ये भूल गए जो नेता पूंजीपतियों के पैसे से हमारे गरीबों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मजलूमों की, मजदूरों की, किसानों की, जो वोट को जिन पूंजीपतियों के पैसे से खरीदता है, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश को बेच देता है, आपके बच्चों के सपनों को बेच देता है। तो आपको अपनी वोट की कीमत पहचाननी होगी, अपने समाज को एकजुट करना होगा, अपने अंदर के इस जातिवाद को मारना होगा, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा, और एकजुट होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खुद सोच लो कि 20-30 साल पहले हम कहां थे और धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं। जिसके माँ बाप ने बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से नौकरी करके मेहनत करके 200 गज जमीन खरीद कर प्लॉट मकान बना लिया, आज उनके आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए और 20-20 गज 30-30 गज के छोटे टुकड़ों में आज उनके बच्चे रह रहे हैं। तो जो बाबा साहब की वजह से हमारे माँ बाप ने कमाया, हमारे बच्चों ने उसको भी कमा दिया। तो संकल्प कर लो, एक जोड़ी कपड़ा कम सिलवा लेना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर। एक तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाई को अपनी ताकत बनाओ, और दूसरा ये भी संकल्प लो, ना तो मैं खुद नशा करूंगा और ना अपने बच्चों को नशा करने दूंगा। अगर आपने मेरी ये दो बातें मान ली तो समझ लेना आने वाले 20-30 साल में समाज की स्थिति दोबारा से सुधर जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना तो आप ये भी मान कर चलना, जो आज आपके जवान बच्चे हैं उनके आने वाले बच्चे गुलाम पैदा होंगे, मजदूर पैदा होंगे, उनका कोई भविष्य बनने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों ने संजीव बुलाया, मैं आपका भी आभारी हूं। आपको मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल बेकार था, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, कम से कम आपने प्रोग्राम करने का जज्बा तो रखा। अभी शुरुआत के धीरे धीरे सीख लोगे कोई बात नहीं, माँ के पेट से लेके थोड़ा पैदा होते सीख के, धीरे धीरे सीखो, एक दूसरे का साथ दो, मजबूती से काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक बात और कह दूं भाई, अपने बच्चों को एक बात सिखा दो, अब तुम कावड़ लेने नहीं जाओगे। कोई भी पैसे वालों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, ब्राह्मणों के बच्चे, बनियों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, वो अपनी दुकान अपना व्यापार बंद नहीं करते। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज की छुट्टी लेके, और जो कई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां से छुट्टी लेके 15-15, 20-20 दिन अपना ऐसी चीज में लगाते हैं जिससे आपका भला नहीं है। वहां जाने का मतलब है आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, अंधकार में डाल रहे हो। जब वहां जा रहे हमारे लोग, या तो उसके जाने से तरक्की आई हो, करोड़पति अरबपति बन गए हो, 10-20-50 लोगों को रोजगार देने लायक बन गए हो, तब तो भैया सब चलो, मैं भी चलूंगा साथ में। और अगर वहां जाने से कोई पूंजीपति नहीं बन रहा, विद्वान नहीं बन रहा, तो भाई वहां मत जाओ, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजो और अपने व्यापार में छोटा मोटा व्यापार करो, छोटी दुकान करो, या जहां नौकरी कर रहे फैक्ट्री में उसमें छुट्टी मत लो, क्योंकि जो छुट्टी लेते हो आपका वो पैसा काट लेते हैं, तो आपके बच्चों का ही पेट कटता है। ठीक है, तो थोड़ी जो मेरी बात मान लेगा बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानोगे भाई तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू।